आपके साथ सेजल इस वक्त की बड़ी खबर। खनन निर्देशों का पालन करवाने का बीड़ा उठाता प्रशासनिक तंत्र, यहां तक खनन निर्देशक के निर्देश का असर भी बेअसर दिखाई दे रहा है। जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ओवरलोड को लेकर खनन निर्देशक द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही जिले में की गई थी, जिस पर अवैध खनन और बालू माफियाओं के होश उड़े हुए थे। लेकिन इन कार्यवाहियों के बावजूद भी जिले में इकलौती खदान निहालपुर है, जो प्रशासनिक कार्यवाही की पटाक्षेप से सत्ता पक्ष के सुरक्षा कवच पर महफूज है और अनाधिकृत खनन पर संलिप्त है, जिस पर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर बेखौफ तरीके से खनन नीति का मखौल उड़ाते हुए देखा जा सकता है। जिले की निहालपुर खदान इन दिनों अवैध खनन की सुर्खियों का माध्यम बनी हुई है, जिस पर कार्यवाही के नाम पर अधिकारी और जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र जरा सा भी कार्यवाही के नाम पर हाथ डालना मुनासिब नहीं समझते हैं। आखिर इस खदान में ऐसा क्या है जो जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। अभी हाल में ही खनन निदेशक रोशन जैकब द्वारा ओवरलोड को लेकर जिले में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए लगभग 250 ओवरलोड ट्रकों पर कार्यवाही की थी, जिस पर बालू माफियाओं के चेहरे मुरझा गए थे। लेकिन सुर्खियों में रह रही नामित खदान पर कार्यवाही करने से परहेज क्यों किया जा रहा है, यह समझने से परे है। इस अनियमितपूर्ण कृत्य पर जिले के एडीएम को जानकारी देने पर एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि अवैध खनन और एनजीटी के नियमों के विरुद्ध अगर खनन को हो रहा है तो कार्यवाही निश्चित रूप से की जाएगी। साथ में बंदूकधारियों द्वारा मीडिया को समाचार संकलन करने से रोकने पर और मीडिया के कवरेज पर बाधा उत्पन्न करने की शिकायत पर भी एडीएम साहब ने कहा कि गलत है, मीडिया को समाचार संकलन करने से नहीं रोका जा सकता। अगर ऐसा कृत्य संबंधित खदान के द्वारा सरगर्भित तत्व उभर कर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तरदायित्व खदान के प्रति कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अब देखना यह होगा कि इन दिनों चर्चे आम उक्त खदान पर क्या कार्यवाही की जाती है, या कार्यवाही के नाम पर औपचारिक खानापूर्ति रस्म अदायगी पर ही सिमट कर रह जाती है। और अवैध खनन पर निहालपुर सेमहा खदान जो चल रही है, इस इन दिनों सुर्खियों का माध्यम बनी हुई है, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? कार्रवाई हमेशा होती है, सफल हो रही है और अभी संज्ञान आया तो उस पर भी कार्रवाई होगी। असल ये मीडिया के कवरेज को कवरेज के दरमियान के लिए कवरेज पर इंटरफियर किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा, तो क्या मीडिया को कवरेज करने से रोका जा सकता है? नहीं, मीडिया अगर कोई कवरेज कर रही है रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन ये मामला तो जांच का है और अगर आप अगर कोई शिकायत हो तो आप निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन के पास लिखित रूप में शिकायत कर सकते हैं। जी, क्योंकि सुर्खियों का माध्यम बनी हुई है निहालपुर से वहाँ जिले की एक कोई खदान है जहां पर आज तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है, आपके लिए नहीं लग रहा होगा, कार्रवाइयां होती हैं, इतनी ज़्यादा सब पर कार्रवाई हुई है और काफ़ी पैसे भी और काफ़ी पेनाल्टियां भी जमा हुई हैं, 200 ट्रक पकड़े गए हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए वो चाहते हैं जिस रूप में उनकी इच्छा अनुसार ना। सर, वहाँ दो लेटर चल रहे हैं, ये बता रहे हैं, दिक्कत की तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर है तो हम जांच करा करके उसके लिए काम कर रहे हैं। देश व दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।